ये है क्वांटम स्नाइप 2.0 गेमिंग माउस एंड ये है रेड गियर 810 गेमिंग माउस। तो इन दोनों माउस का मैं आज कंपैरिजन करने वाला हूँ। क्वांटम माउस मैंने परचेस किया है 299 रुपीस में एंड ये रेड गियर माउस भी मैंने 299 रुपीस में परचेस किया है। तो दोनों ही गेमिंग माउस अंडर 300 रुपीस में आते हैं। वारंटी की बात करें तो क्वांटम में आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है एंड रेड गियर में भी 1 ईयर की वारंटी मिलती है। तो दोनों में ही सेम ही वारंटी है। क्वांटम माउस ब्लैक एंड सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में है एंड ऊपर की सरफेस ग्लॉसी फिनिश में है एंड साइड की सरफेस रबर कोटिंग फिनिश में है। एंड रेड गियर का माउस टोटली ब्लैक कलर में है एंड ऊपर की सरफेस रबर कोटिंग प्लास्टिक में है। इन दोनों माउस में RGB का ऑप्शन है एंड RGB इस रेड गियर के माउस में थोड़ी सी अच्छी है। स्क्रॉल व्हील का शेप आप देख सकते हैं दोनों माउस में डिफरेंट है। ये रेड गियर के माउस में ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है एंड ये क्वांटम के माउस में व्हाइट प्लास्टिक है। ये दोनों माउस गेमिंग माउस हैं तो शेप एंड डिज़ाइन एग्रेसिव है। दोनों माउस में अर्गोनॉमिक्स एंड कंफर्ट की बात करें तो क्वांटम माउस में मुझे ज़्यादा कंफर्ट लगा क्योंकि ये रेड गियर 810 में ऐसे पीछे ये ऐसा दिए हैं वो हाथ में चुभता है। तो कंपेयर टू रेड गियर 810 क्वांटम माउस में थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा है। एंड लुक्स की बात करो तो ये रेड गियर 810 थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि टोटली ब्लैक कलर में है। इसमें ये सिल्वर कलर यूज़ किया है इसके जैसे थोड़ा सा डल लगता है। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो क्वांटम माउस में बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। आप बैक में भी देख सकते हैं क्वांटम में ऐसी प्लेट यूज़ की गई है, इसमें रेड गियर में सिर्फ प्लास्टिक ही है। तो बिल्ड क्वालिटी क्वांटम में अच्छी है। माउस की साइज़ आप देख सकते हो ये क्वांटम का माउस बड़ा है कम्पेयर टू रेड गियर। लेकिन आपको मैं डिटेल में साइज़ बता देता हूँ। ये क्वांटम में लेंथ है 5.5 इंच, ये रेड गियर में है 5 इंच एंड वाइड है 2.5 इंच क्वांटम एंड रेड गियर है 2.3 इंच। तो ओवरऑल क्वांटम का माउस साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है। एंड माउस में वेट की बात करें तो क्वांटम में है विथ वायर 138 ग्राम एंड विदाउट वायर है 102 ग्राम एंड रेड गियर 810 में है 116 ग्राम विथ वायर एंड विदाउट वायर है 92 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा लाइट वेट ये रेड गियर का माउस है। माउस में USB की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही है लेकिन केबल की क्वालिटी आप देख सकते हैं ये क्वांटम में ब्रेडेड केबल है रेड कलर की एंड ये रेड गियर में ऐसी PVC ग्रूव्स वाली केबल है ब्लैक कलर में। तो केबल की क्वालिटी ये क्वांटम के माउस में अच्छी है एंड क्वांटम में केबल की लेंथ है 1.3 मीटर एंड रेड गियर में 1.6 मीटर, तो इसमें ज़्यादा है। क्लिक्स एंड स्क्रॉल व्हील दोनों में ही अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं एंड टैक्टाइल हैं। दोनों में ही क्लिक्स एंड स्क्रॉल व्हील काफ़ी अच्छे हैं। ये क्वांटम माउस में सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिलता है एंड आप की को प्रोग्राम कर सकते हो एंड RGB को भी कंट्रोल कर सकते हो एंड रेड गियर में सॉफ्टवेयर का सपोर्ट नहीं मिलता है। एंड क्वांटम में आप साइड बटन देख सकते हो, ऐसे साइड बटन इस रेड गियर में नहीं मिलते हैं। तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट एंड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको सिर्फ ये क्वांटम के माउस में ही मिलता है एंड दोनों माउस में ही DPI एडजस्ट का ऑप्शन है एंड क्वांटम में मैक्सिमम 3200 DPI तक का ऑप्शन है एंड रेड गियर में 2400 DPI तक का ऑप्शन है। एंड दोनों माउस में पोलिंग रेट मैक्सिमम 125 Hz है एंड सरफेस पे ड्रैग करने के लिए आप देख सकते हैं ऐसे कुछ फुट पैड्स दिए हैं। तो इसकी क्वालिटी भी मुझे ये क्वांटम के माउस में अच्छी लगी एंड रेड गियर में भी देख सकते हैं ऐसी कुछ है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होती हैं। तो दोनों माउस को आप टेबल की सरफेस पे भी आसानी से यूज़ कर पाएंगे, आपको माउस पैड लेना ऐसा कंपलसरी नहीं है। माउस का नॉर्मल यूज़ एंड गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों ही अच्छा है। आप डिटेल रिव्यू दोनों माउस का मेरे चैनल में देख सकते हैं। दोनों माउस का साइज, वेट, केबल लेंथ, DPI, सॉफ्टवेयर सपोर्ट वगैरह मैंने वीडियो में बता दिया है। दोनों में से जो माउस आपके यूसेज में परफेक्टली बैठ रहा वो आप परचेस कर सकते हैं। दोनों माउस में अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा डिटेल रिव्यू वीडियो भी देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।